तो ये तुंगनाथ वाला ट्रैक समाप्त हो चुका है। अब आगे को बढ़ते हैं चंद्रशिला की ओर, और यहाँ से चंद्रशिला लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो चंद्रशिला के लिए जो है टॉप पे जाना है हमें, अभी उस चढ़ाई चलनी है। ये बर्फ देखो ही खतरनाक लग रहा है, और नीचे नज़ारा देखो कितना डेंजरस एरिया लग रहा है, बहुत भयंकर वाला। तो देखिए वहाँ से हम आए थे नीचे, बहुत डाउन है वहाँ पर अगर आपको तो दिख रहा होगा। तो यार हालत काफ़ी ख़राब हो रही है इस चढ़ाई में चढ़ने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी जगह, अमेजिंग जगह है। यहाँ पर भी देखो बहुत अमेजिंग जगह है, और लेकिन रास्ता अगर आपको दिखेगा यहाँ पर बड़ा डेंजरस एरिया है। यहाँ पर जस्ट खाई है, मतलब जब भी चंद्रशिला का ट्रैक करो मतलब सोच समझ के करियो। पूरा का पूरा देखो कैसा नज़ारा है यहाँ पे, पूरी बर्फ़ का पड़ी हुई है। और ये जो है चौखंबा और नंदा देवी पर्वत, ये पूरा दिखता है इस साइड को, तो दिख नहीं है इस साइड जो कोहरा लगा हुआ है, बाकी आप लोग देख सकते हो व्यू काफ़ी अमेजिंग है। तो ये टॉप पे है, हमको ज़्यादा नहीं आना है, कम दिख रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा, बस की नहीं हो रही। अब तो ये हाल केदारनाथ जैसा हाल हो गया है। केदारनाथ में भी हालत ख़राब हो गई थी, कई लोग तो यहीं से वापस चले गए। अभी है 1.5 किलोमीटर के समथिंग होगा, और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी मस्त है। टॉप पे जाना है, उसके भी टॉप पे है, तो मतलब यार वही लोग ट्रैक करना है यहाँ पे जिनका बीपी सही हो, क्योंकि सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। हालांकि हवाएं चली, ठंड ठंड दिक्कत भी हो रही है, और ऊपर से बर्फ इतनी भयंकर है ना, क्या बताऊँ, बहुत भयंकर वाली हो रखी है। कई लोग तो गिरते हुए आ रहे हैं, पर अब मैं चल चल के आना तो ठीक होगा, और नहीं तो ये कीचड़ वाली एरिया पे, जैसे ये एरिया है इसमें जो है कीचड़ बहुत ज़्यादा है, स्लिप होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से टॉप व्यू इस तरह से दिख रहा है, बस थोड़ा ही बचा हुआ है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे है और पहुँचने वाली है, लेकिन थकान इतनी होगी ना पूछो मत, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ चंद्रशिला में, थकान बहुत ज्यादा लग चुकी है यार, बहुत हाल खराब हो गई। पहुंच गए हम लोग, फाइनली आ जाओ सर, वो ऊपर ही बैठा सुना यार, क्या खुशी मिल रही है, मजा आ गया। सिंबल है, सिंबल यकीन नहीं रहा, चंद्रशिला पहुंच गया मैं। भाई साहब बताओ यार कैसा रहा ट्रिप, हम दो ही थे जिन्होंने मोटिवेट किया एक दूसरे को। चंद्रशिला का मंदिर इस तरह का दिखता है, जो कि चंद्रमा का प्रतिमा बनाई गई है अंदर से इसमें। चंद्रशिला के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर जो है चंद्रमा ने शिव जी की तपस्या की थी, शिव जी को प्रसन्न किया था, क्योंकि उनको जो है क्षय रोग होने के कारण जो है उनके निवारण करने के लिए शिव जी की यहाँ पर जो है तपस्या करी, इसी वजह से यहाँ पर जो है चंद्रशिला पड़ा। इसको मून रॉक के नाम से भी जानते हैं। आज देख सकते हैं यहाँ पर पर्वत काफ़ी यहाँ पर दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उतना क्लीन नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर धुंध पड़ी हुई है। अगर ये साफ होता तो सारे के सारे पर्वत, जितने भी उत्तराखंड के टॉप पर्वत हैं, सब जो है आपको क्लियर दिखते। हिमालय में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर जो हिम पड़ा हुआ है, इनकी बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन कहीं चोटी वो जो है अभी भी बर्फ नहीं पड़ रखी है। लेकिन अगर ये क्लियर दिखता तो जो दूर दराज के हिमालय हैं वो भी अच्छे से आपको सारे के सारे जो टॉप एरिया से सारे के सारे दिख जाते हैं। यहाँ चढ़ना आसान है लेकिन उतरना बेहद ही मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैसे स्लिप हो रहा है, रास्ता बहुत बेकार है इस वजह से।
और इनफैक्ट एक बार जो है मैं गिर चुका हूँ, और वो भी बुरी तरीके से, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब बहुत ज़्यादा। कोशिश करना जब ऐसे रास्तों पर आपको मौका मिले चलने का, तो जहाँ पर ड्राई जगह है वहाँ से चलना। मेरे पीछे पूरा कीचड़ लग चुका है, बहुत बेकार लग रहा है अब तो। रास्ता तो यार क्या बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी रास्ता। देखो यार ऐसा है, अभी इतना नीचे जाना है हमको। ये है, यहाँ पर है तुंगनाथ, उसके बाद और नीचे आना है। तुंगनाथ के बाद रास्ता सही है, तुंगनाथ से पहले जो ये अगर यहाँ पर चलोगे ना, ऊपर से आओगे तो इस वाले रास्ते में ऊपर को चढ़ाई चढ़ते वक्त दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नीचे को आते वक्त स्लिप ज़्यादा होगा, और इसलिए ध्यान से उतरना जब भी आओ ऐसी जगह पर। बुरी बुरी तरीके से गिर गया नीचे, पूरा कट गया है, और ये वाली जो अंगुली है ये वाली, ये फ्रैक्चर हो गया मेरा, मतलब इतना बड़ा हो गया ना, कांड हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा। ये देखो पूरा खून आ रहा है, शायद दिख नहीं रहा हो, कैसे घूमा इसको। ये देखो बहुत खतरनाक हालत हो रखी है मेरी, अब तो डर लग रहा है मुझे। हालांकि मैं अब जिस डेंजर एरिया में था उस एरिया से निकल चुका हूँ, तुंगनाथ पहुँचने वाला हूँ, लेकिन भाई साहब इतना भयंकर नज़ारा ना, सच में यार जब भी कोई जाओ ना संभल कर उतरना, मेरे जैसे हालत ना हो, क्योंकि मेरा जो हाथ था ना बर्फ़ के अंदर से लगा था, और ये जो है टेढ़ा हो गया था। ये पहुँच चुका हूँ मैं, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर रखी थी मैंने अपनी स्कूटी, निकालता हूँ यहाँ से और पहले फर्स्ट एड कर लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट एड पड़ा है, क्योंकि हाथ बहुत बेकार हो चुका है, और मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। तो इस कार में मैंने हेलमेट रखा था अपना, वहाँ से निकाल लेता हूँ। बैग और हेलमेट जो है यहीं रखा था मैंने, कोई भैया थे उनसे मैंने बोल दिया था, तो ये रखे हैं, इनको उठाता हूँ, उसके बाद फर्स्ट एड करता हूँ। इन बैग में वही फर्स्ट एड रखा है, इतना सूजा है, ऐसे लग रहा है पूरा निकल हड्डी ना निकल गई हो यार, ये बहुत सूजा है। तो यार मैं फिर से वापस गोपीसर की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि गोपीसर से ही जो है शॉर्टकट पड़ रहा है यहाँ से हल्द्वानी जाने के लिए। मेरा ब्रेक लग नहीं रहा है, और हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत पेन हो रहा है मेरा हाथ में, ब्रेक लग नहीं रहा है। ऊपर से ब्रेक लगाते हैं वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ी सी हल्की रेस दे रहा है, दे पा रहा हूँ बस, हो गया। बाकी जो यूज है बाकी बाएं हाथ का ही है, हाथ में मेरी खतरनाक चोट लगी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो भयंकर वाले पूरा सूज रखा है, उल्टा हाथ पूरा सूज रखा है मेरा, और फ्रैक्चर ना हो गया हो यार कहीं दिक्कत, तो बहुत सूजन हो रखी है। और ये और ब्रेक भी लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि ब्रेक जो है मेनली तीन उंगली से लगता है, तो तीसरी उंगली फ्रैक्चर है, और दो उंगली में फिर सूजन है, तो स्लोली स्लोली चलाना पड़ेगा मुझे। यार रोड खराब है नीचे को यार, एक तो 26 किलोमीटर पूरा जो है जंगल है, और यहाँ से चमोली है 23 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, अकेला मैं ही एक इंसान था जो उस जंगल से अकेला आया। चलो अब चलते हैं गोपेश्वर की, गोपेश्वर यहाँ से होगा मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर बचा है अभी। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में शेयर भी कर लेना अगर अच्छा लगता है वीडियो तो।